हे ममाज एंड डैडीज ये वीडियो है मेरे प्रीमेच्योर बेबी की घर पर केयर के बारे में एंड दिस इज द जर्नी फ्रॉम 19 टू 24 मंथ मेरा एक माइक्रो प्रीमी चैनल इंग्लिश में भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं इस वक्त के दौरान मैं दोबारा से प्रेगनेंट हो गई और खुश होने की बजाय हम लोग स्ट्रेस में थे टेंशन में थे क्योंकि हमारा पहला बच्चा एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर है मैं फिर से प्रीमेच्योर बर्थ के रिस्क पर हूँ क्या होगा अगर दूसरा बच्चा फिर से प्रीमिच्योर पैदा हो गया तो हम डॉक्टर से मिले डॉक्टर ने हमारी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ प्रीमिच्योर बर्थ जानने के बाद हमें सजेस्ट किया क्योंकि हमारा पहला बेबी एक्सट्रीमली प्रीमिच्योर है और क्योंकि पहली प्रेगनेंसी के दौरान मेरा सर्वाइकल सर्कलाज किया गया था तो दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान भी मुझे सर्वाइकल सर्कलाज करवाना पड़ेगा प्रीटर्म बर्थ को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ट्वेल्थ वीक पर एंटी स्कैन एंड डबल मार्कर टेस्ट इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद मेरा सरकलाज किया गया मैं एक महीने के लिए बेड रेस्ट पे थी और उसके बाद भी मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट ही करना था तो मैं सोच रही थी कि मैं इस वक्त को कैसे प्रोडक्टिवली यूज़ करूँ इसलिए मैंने पेरेंटिंग क्लासेस अटेंड की जहां मैंने सीखा कि बच्चे की लाइफ के फर्स्ट थाउजेंड डेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज और ये एक सुनहरा मौका है बेबी को ऑल नाइन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस से एक्सपोज करने का एक्टिविटीज के थ्रू अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी पेरेंटिंग क्लासेस के दौरान कौन सी एक्टिविटी सीखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके बेबी के डेवलपमेंट केयर एंड ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ इस दौरान मैंने प्रीटर्म बर्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए माइक्रो प्रीमी चैनल इंग्लिश में स्टार्ट किया था मेरे प्रीमेच्योर बेबी की वोकेबलरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो रहा था एंड वट इज दिस नोज एंड वट इज दिस <laughs> what is this? Head. Head. Okay, tell me. What is this? Hey, what cat says? Meow. <laughs> what dogs says? <laughs> <laughs> what cow says? <laughs> rooster, rooster. Whoa. He started recognizing colours. <laughs> वो टच एंड फील एक्टिविटीज के जरिए स्मेल टेस्ट शेप टेक्सचर सीख रहा था वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के थ्रू उसको किचन में टाइम बिताना भी बहुत पसंद है अगर आप जानना चाहते हैं इस दौरान मेरा माइक्रोप्रीमी क्या क्या सीखा माइक्रोप्रीमी लर्निंग एट होम लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस टाइम पर मेरा माइक्रोप्रीमी बहुत अच्छे से सीख रहा था और बढ़ रहा था लेकिन मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में एनोमली स्कैन के दौरान इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस दिखा मतलब एक वाइट स्पॉट बच्चे के हार्ट पर दिखा मैं बहुत ज्यादा टेंस हो गई अब ये क्या है अब मेरे सेकेंड बेबी का क्या होगा अगर आप जानना चाहते हैं कि इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस क्या है और कैसे मैं इस डर से उबर पाई और कैसे मुझे अपना मेंटल पीस मिला लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ लॉट ऑफ लव टू तो पेरेंट्स एंड देयर बेबीज